आज के 5 मिनट फिजिक्स सीरीज में सीखेंगे बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर आईआईटी जी न्यूमेरिकल्स पूछती है। कई सारी बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, कांस्टेंट फोर्स हो, कांस्टेंट फील्ड हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बेसिस पे किस तरह से पाथ बनेगा, कर्व क्या बनेगा, वो सारी बातें हमें इसमें करनी है इस वीडियो में। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। उससे पहले मैं ये स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए जिससे आपको भी बेनिफिट हो और बच्चे जो आप जैसे बच्चे हैं जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो। बच्चों सबका बेनिफिट हो, सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास आपके सरकार का भी है, पॉलिसी है, तो इस काम को करिए बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात ये आती है वीडियो किन किन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के साथ में, जेई में जेई एडवांस की, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो रिसेंटली अभी 12th में आए हुए हैं उनके लिए, और जो ड्रॉपर्स स्टूडेंट है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा किस तरह से काम किया जाएगा। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ इन कॉन्स्टेंट फोर्स या फील्ड। अगर कोई फील्ड कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी डायरेक्शन के हिसाब से। मान के चलो मेरे को बोल दिया गया कि मेरे पास कोई फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास मेरे पास 1 kg है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी मेरे को दे दी जाती है, मान के चलो समथिंग मेरे को उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मेरे को गिवन है। अब मेरे से ये पूछा कि इस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है उसका पाथ क्या होगा, किस तरह से मूव करेगा, क्या पाथ होगा। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट फोर्स के अंडर में मूव करता है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में मूव करता है, या यूं कह दीजिए कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट फील्ड के अंडर में मूव करता है, तो पार्टिकल जो है दो ही वैरायटी के पाथ फॉलो कर सकता है। कौन कौन से? या तो फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन को या फॉलो करेगा पैराबोला। क्या फॉलो करेगा? या तो पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का फॉलो करेगा और पैराबोला का फॉलो करेगा, ये हमें बहुत ध्यान से सीखना है, ये कंडीशन हमें समझ में आनी चाहिए पहली बात। इसमें मान के चलो अगर पार्टिकल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या हो, या तो जीरो हो यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, या मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो किस तरह से हो, वो मेरे पास पैरेलल हो, वेलोसिटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के या फोर्स के पैरेलल हो, ठीक है। और तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एंटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फोर्स के, या इलेक्ट्रिक फोर्स के एंटी पैरेलल हो। तो इन तीन सिचुएशन अगर मेरे को देखने को मिलती है, ये पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन करेगा। इनके अलावा अगर मेरे पास जो वेलोसिटी है वो किस तरह से है, मेरे पास मान के चलो जीरो भी नहीं है, वो मेरे पास पैरेलल भी नहीं है किसके, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के, और मेरे पास वो एंटी पैरेलल भी नहीं है फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके सारे इन केसेस के अलावा, यानी इन केसेस के सारे अलग केसेस में, यानी इनके अलावा जितने भी केस बनेंगे उन सब में पैराबोला बनेगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगली बात इसमें देखें, यानी मेन कॉन्सेप्ट ये है, अब पैराबोला जो बनेगा उसका कर्व कैसा बनेगा। वो कर्व ऐसा बनेगा कि यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है, पैराबोला जो बनेगा उसका कर्व कैसे बनेगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या करना चाहेगी, वो एक्वायर करना चाहेगी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पैराबोला इस तरह से उसका कर्वेचर होगा कि इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अक्वायर करना चाहेगी, उसको कॉपी करना चाहेगी, उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, इस तरह से ये बनेगा। आइए देखते हैं। अब मान के चलो पैरेलल का एंटी पैरेलल का, आई होप सो आप जानते हो वीडियो, इसमें पैरेलल एंटी पैरेलल में आप ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू मेरे पास लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख दिया जाए, अगर इस तरह से मैं दो वेक्टर्स को लिख सकता हूं, तो मेरे पास सीधी बात यह है कि पैरेलल है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो पैरेलल है, नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल है। चलो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन दे दिया गया कि एक फोर्स की वैल्यू है
आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पे, जिस पार्टिकल का जो मास है फॉर एग्जाम्पल 1 kg का मास है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे दी गई मान के चलो आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5k कैप, ये मेरे को वेलोसिटी दे दी गई। इस तरह से मेरे को वेलोसिटी दे दी गई है आई कैप प्लस 2j कैप, मेरे को वेलोसिटी दे दी गई इसकी मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे पूछा गया पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो आइए कंडीशन चेक करते हैं। अगर मैं देखूं फोर्स, क्या फोर्स और जो ये मेरे पास वेलोसिटी है, जो मैं वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये फोर्स कांस्टेंट है मेरे पास, इनिशियल जो वेलोसिटी मेरे पास देखने को मिल रही है क्या इसके पैरेलल है, नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है इसका मीनिंग क्या समझूं मैं, क्या ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल भी नहीं है। क्या यू की वैल्यू जीरो है, यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है। इसका मतलब जो पाथ होगा पार्टिकल का वो कैसा पाथ होगा, वो होगा मेरे पास कैसा, पैराबोला। और पैराबोला भी कैसा होगा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को एक्वायर करना चाहेगी। चलो ये केस देखा, मान के चलो और केस देखते हैं, इस तरह से और केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास ये ऐसा कुछ दिया गया होता, इस तरह से मेरे को दिया गया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे को दी गई होती आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मेरे को बोल दिया जाता कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप। अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो क्या इस वाले केस में मेरे को एक चीज ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, एंटी पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, नहीं, क्या यू की वैल्यू जीरो है, नहीं। यानी पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पैराबोलिक पाथ होगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को एक्वायर करना चाहेगा। मान के चलो मेरे पास वैल्यू इस तरह से दी गई होती फॉर एग्जाम्पल आई कैप प्लस जे कैप और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होती मेरे पास 2i कैप प्लस 2j कैप, तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो i कैप प्लस j कैप, यानी ये जो वेलोसिटी मेरे पास आ रही है ये पैरेलल है किस चीज के, इसके पैरेलल है, क्योंकि मैं इस वेक्टर को इसके टर्म्स में इसके मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका चार्ज अगर क्यू दे दिया जाए, मास एंड दे दिया जाए, तो जो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा मेरे पास, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आते भी है क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर देखा जाए या हम काइनेमेटिक्स में जो देखते हैं पैराबोलिक मोशन देखते हैं, वहां से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है ये, तो जो आपके काइनेमेटिक्स में भी काम आता है बेसिकली, दूसरा जो काम आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है। आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।